हेलो मेरे टॉपर्स की गैंग, मैं अमिताभ देवांगन, लक्ष्य कोटा एकेडमी भिलाई, बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर नीट एंड आईआईटी जेईई से। तो शुरू करें। हेलो मेरे टॉपर्स की गैंग, मैं अमिताभ देवांगन, लक्ष्य कोटा एकेडमी भिलाई, बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर नीट एंड आईआईटी जेईई से। तो शुरू करें। तो अब हम लोग इस चैप्टर का न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। वो भी कौन सा न्यूमेरिकल? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, कौन सा न्यूमेरिकल हम करने वाले बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, आपको बता दूं कुछ बेसिक्स, अगर ये चीज आप लोग अगर अभी जानते हो तो पूरे न्यूमेरिकल कर लोगे। ठीक है, और अगर ये चीज नहीं जानते हो तो न्यूमेरिकल में दिक्कत जाएगा, इसलिए पहले कंसेप्ट फिर उसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है बच्चों, तो चलो पहली बात, इसके लिए ना सिंबल ये म्यू भी इस्तेमाल होता है, एन भी इस्तेमाल होता है। तो याद रखना, दोनों में से कुछ भी आपको देखने को मिल सकता है। पहला चीज इसमें जानने वाला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, चलो देख लेते हैं यार। 1 म्यू 2 इक्वल्स टू म्यू 2 बाय म्यू 1। लाइट पहले इस मीडियम पे आता है, फिर इस मीडियम पे आता है। ठीक है, इक्वल्स टू v1 बाय v2 इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। ये फॉर्मूला याद रखना है बच्चों, जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन करो ये फॉर्मूला याद रखना है। क्या है? 1 म्यू 2 इक्वल्स टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1 इक्वल्स टू वी 1 अपॉन वी 2 इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। ये कब के लिए मैं बता रहा हूं? जब क्या होगा, लाइट ऐसे आएगा, ठीक, ये फर्स्ट मीडियम और जाएगा ये सेकेंड मीडियम, इस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस और इस एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ रहे हैं, इन्हें रिफ्रैक्शन वाला कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। तो ये क्लियर हुआ बच्चों? होप आप लोग को ये चीजें क्लियर हो गया होगा। मेरे ब्लैक वाला मार्कर नहीं चल रहा है, चेंज कर लिए। ठीक है, तो होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। दूसरा चीज, अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करता है और वेलोसिटी की बात करता है तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा? ये दोनों तो मिलाकर कैसे होगा? म्यू टू बाई म्यू वन इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू। आया समझ में? जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी की बात होगी तो ये दोनों को मिलाकर बस इतना फॉर्मूला लिख दोगे। क्लियर हुआ? कई बच्चों को एक डाउट रहता है, सर मुझे समझ में ही नहीं आता कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। ठीक, एक और चीज, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल की बात होगा, एंगल यानी आई और आर का, तो ये और ये वाला क्या हो जाएगा? म्यू टू बाई म्यू वन इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। क्लियर हुआ आपको बच्चों? और एक इंपॉर्टेंट चीज, जब वेलोसिटी और एंगल की बात होगा, वेलोसिटी और एंगल की बात होगा तो ये दोनों इस्तेमाल करेंगे। v2 टू बाई वी वन इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। एकदम क्लियर कौन सा फॉर्मूला कब इस्तेमाल करना है? दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, साइन जीरो के लिए, अब ये चीज तो आपका मैथ्स वाला है फिर भी यहां पर जरूरत है तो इसको मैं बता दे रहा हूं। जीरो होगा, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होगा, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होगा, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होगा, साइन 90 की वैल्यू 1 होगा। तो एक बार फिर से देख लें, जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला कंसेप्ट आएगा, 1 म्यू 2 यानी पहले लाइट फर्स्ट मीडियम पे गया फिर सेकंड मीडियम पे आया, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? म्यू 2 बाई म्यू 1 इक्वल टू वी 1 बाई वी 2 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी के बारे में बात करेगा तो म्यू 2 बाई म्यू 1 इक्वल टू वी 1 बाई वी 2। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल के बारे में तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल वाला लोगे, जब वेलोसिटी और एंगल के बारे में हो तो वेलोसिटी और एंगल के बारे में लोगे।
क्लियर हुआ। एक और इंपॉर्टेंट चीज ठीक है, सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 होता है, मुझे याद रखना है। जब सिर्फ एक मीडियम की बात करेगा तो दूसरे मीडियम को मुझे ऑटोमेटिकली एयर ले लेना है, तो मुझे एक चीज पता है उस मीडियम पे लाइट का स्पीड क्या होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये फिक्स्ड वैल्यू बेटा, ये याद रखना है। दूसरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है, 3/2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है, 4/3, ये 3/2 को 1.5 भी लिख सकते हो और ये 4/3 को 1.33 भी लिख सकते हो। अगर इतना आपको आ गया, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको कोई भी न्यूमेरिकल, कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों? तो इसको ना एक काम करो, जल्दी से पॉज करो, इसको जल्दी से नोट करो फुल स्पीड में, क्योंकि अब मैं न्यूमेरिकल कराने वाला हूं, आपको 100% करके दिखाने वाले हो, ठीक है? जल्दी से नोट करो इसको पॉज करके।